कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों को मेरे पेट्स व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरे कबूतर को। अब दोस्तों मैं इन्हें छोड़ रहा हूँ, तो ये कहीं भी जा रहे तो मेरे घर पे आ जा रहे हैं। दोस्तों कल तो मैं आप लोग को दिखा रहा था उतना दूर ही जा रहा है। दोस्तों आज मैं छत पे फेंकूंगा एंड देखूंगा दोस्तों ये आता है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों मैंने अपने कबूतर के बेबी को छत पर फेंक दिया है। तब दोस्तों अभी हमारा कबूतर जो वहाँ पे छत पर है वो आ नहीं रहा है। उसका मन नहीं कर रहा होगा आने का, क्योंकि वो वहाँ पे अभी बैठा हुआ है एंड ये अभी थोड़ा सा छोटा है, उससे ये उड़ नहीं पाता है एंड वो वाला उड़ जाता है, देख सकते हो। तो वो दोस्तों उसको मैंने छोड़ा है, ये ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ पाता है, तो इसीलिए मैंने उसी को बस छोड़ा हुआ है। ये मेरे घर पर ही रहता है। जब थोड़ा और भी बड़ा हो जाएगा 5-6 दिन के अंदर दोस्तों ये भी उड़ना स्टार्ट कर देगा। तो देख सकते हो दोस्तों हमारा कबूतर आ चुका है हमारे पास यहाँ पे दोस्तों। तो अब आप देख सकते हो दोस्तों पूरी अच्छी तरीके से लोग ट्रेंड हो चुके हैं। तो चलिए मैं आप लोग को अब गिनी पिग से मिलाता हूँ। तो दोस्तों मैंने गिनी पिग्स को अपने रैबिट्स के साथ बड़े से केज में रखा हुआ है। मैं सोचा कि बड़ा सा केज है तो ठीक रहेगा इनके लिए। यहाँ पे हमारे रैबिट्स हैं और वहाँ पे हमारे दोनों गिनी पिग हैं। तो ये घूम टहल रहते हैं अभी, आप देख सकते हो दोस्तों बहुत ही प्यारा मुझे गिनी पिग लग रहा है। एंड इन लोग का कलर भी आप लोगों ने मुझे बताया कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। एंड ये तो वैसे इतने प्यारे हैं, आप देखिए यहाँ पे। वाह दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों इसमें से एक मेल है एंड एक फीमेल है। दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ओहो हो, तो दोस्तों ये देख सकते हो दोस्तों एक मेल है एंड एक फीमेल है इसमें। तो आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे हैं। एक पूरा ब्राउन है एंड एक ब्राउन, ब्लैक, वाइट, सब कलर के हैं ये, आप देख सकते हो वहाँ पे देख सकते हो। एंड रैबिट तो आप देख ही सकते हो, मतलब मुझसे थोड़ा सा डर रहा है वो। और मैं आप लोग को बता दूं कि चलिए दोस्तों मैं आप लोग अपने रिंगनेक पैरेट के एक्स को भी दिखाता हूँ कि कितने हुए हैं। दोस्तों एक दिन चेक किया था 2 थे, वो भी आप लोग के साथ शेयर किया था। एक दिन 3 था, वो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। तो चलिए आज देखता हूँ वो 3 देगी या और भी ज़्यादा दे सकती हैं। एंड रिंगनेक पैरेट दोस्तों कितने अंडे देते हैं मुझे आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये पहले दिन का अंडा है, जब ये अंडे देने से एक दिन पहले का, और ये उस दिन दोस्तों अंडे दे दी थी उसके कल। एंड दोस्तों ये 2 दिन बाद अंडे दी थी, क्योंकि ये गैप कर 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 अंडे देती है, एक दिन देती है एक दिन नहीं देती है। तो दोस्तों एक दिन नहीं देने के बाद फिर से दोस्तों ये दी है। तो दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये कल का वीडियो है, जो कि आप देख सकते हो मेरे फीमेल्स को। एंड अभी मैं एग्स भी आप लोग को दिखा देता हूँ, अंडे जो कि इसमें अंडे अभी 3 हैं ये आप देख सकते हो। ये कल का वीडियो है और मैंने कल आप लोग को वीडियो नहीं दिखाया था, क्योंकि दोस्तों अगर मैं डेली आप लोग को दिखाता रहूँ तो आप भी लोग बोर हो जाओगे, तो यही सोचकर मैं नहीं दिखा रहा था। तो चलिए आज का सीन भी मैं आप लोग को दिखा दूँ, ये कल का वीडियो है। तो चलिए मैं आज आप लोग को दिखाता हूँ कि आज कितने एग्स ये डिलीवर की है। A few moments later. तो आइए दोस्तों मैं आप लोग को सीन दिखाता हूँ आज का, तो आप खुद ही दोस्तों देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारी फीमेल 1 हफ्ते से लगभग अंडे दे रही है और 1 हफ्ते से 4 अंडे दिए, क्योंकि दोस्तों ये एक दिन गैप कर कर देती है। तो आप लोग को मैंने अपने रिंगनेक पैरेट के अंडे को दिखाया दोस्तों। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। एंड बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी तोते दोस्तों 4 अंडे दे दिए हैं। कितने दिनों तक दोस्तों इनका हैचिंग करना रहता है, कितने दिनों तक, ये दोस्तों आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।